सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइव क्लास रुक गई थी, तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और आप सभी को स्टार्टिंग से लास्ट तक इस क्लास को देखना है। ओके जी, सो सभी लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे ताकि हम इस क्लास की प्रैक्टिस कर सकें। ओके, आप में से जितने भी लोग आज हमारे सेशन से नए जुड़े हुए हैं, सो हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन एंड वेलकम आप सभी का। तो आज से ही हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप में से कोई भी 3 से 15 साल का हो और आप ऐसे ही बेसिक से इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीखना चाहते हैं, तो आज 8 मार्च हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच में क्या कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कितना कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, तो 3 मंथ आपका कंप्लीट कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा और 3 मंथ आपको लाइव रिवीजन फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि ओवरऑल आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। ओके, और अब आप इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। इस नंबर पर कॉल करके आप इस क्लासेस को, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली ये जो क्लासेस चलती है ना, 4 डेज आपकी क्लासेस चलती है और 2 डेज कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसमें मैं खुद आप सभी के साथ लाइव कनेक्ट करती हूँ। क्लासेस कैसे होती हैं आपकी, गूगल मीट वीडियो चैट के थ्रू आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है जी, और कैसे हम इस में सिलेबस को कवर करते हैं, तो आपकी लिसनिंग स्किल, आपकी रीडिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल, चारों पार्ट को हम बहुत आराम से, बहुत बेसिक से कवर करते हैं। राइट एवरीवन, ये चारों पार्ट आपके इंग्लिश बोलने के लिए, आपके इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्हीं चारों पॉइंट्स के साथ हम अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके 2 पॉइंट, आपकी लिसनिंग स्किल, आपकी रीडिंग स्किल, हम दोनों साथ में मिलकर रीड करेंगे, एक बहुत बढ़िया से स्टोरी को रीड करेंगे। ठीक है, आपको मैं कैसे रीड कर रही हूँ आपको ये सुनना भी है, मेरे साथ साथ रीड भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, हमारी स्टोरी का नाम है द सन एंड द विंड। राइट, द सन एंड द विंड, क्या होता है हमारी स्टोरी में, चलिए साथ में हम पढ़ने का ट्राई करते हैं, रीडिंग करने का ट्राई करते हैं। वंस द विंड एंड द सन हैड एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन देमसेल्व्स एज टू हु वाज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। एक दिन क्या होता है कि जो सन है ना और जो विंड है, उनके बीच में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है कि उन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है। फिर देखते हैं भाई आगे क्या बोलती है हमारी स्टोरी। द विंड क्लाइम्ड दैट इट वाज स्ट्रॉन्गर देन द सन। द विंड क्लेम्ड दैट इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन द सन। विंड क्या क्लेम्ड करती है कि वो क्या है, सन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है भाई, यहाँ तक भी स्टोरी अंडरस्टैंड हुई। आगे क्या बोलता है, Whereas the sun asserted that it was more powerful than the wind, neither of two was ready to accept the supremacy of the other. उनके बीच में क्या होता है कि वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि तुम ज़्यादा प्रभावशाली हो, तुम ज़्यादा पावरफुल हो या मैं ज़्यादा पावरफुल हो, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने आप को प्रूव करने का ट्राई करते हैं। कैसे प्रूव करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं। फाइनली बोथ ऑफ दैम कंसीडेड टू डू समथिंग टू प्रूव देयर पॉइंट। वो दोनों फिर क्या करते हैं, खुद को प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। कैसे प्रूफ करने का ट्राई करते हैं, जस्ट देन दे सो अ मैन गोइंग ऑन द रोड। राइट, द सन गॉट एन आइडिया। राइट, एंड इट सैट टू द विंड। क्या बोलता है विंड से, लेट्स टेस्ट अवर स्ट्रेंथ, कि हम अपनी क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। ओके जी, यहाँ तक भी स्टोरी आई थिंक आपके माइंड में क्लियर हो रही होगी, सेट हो रही होगी, अगर आप मेरे साथ साथ रीड कर रहे हैं तो, है ना। ऑन दैट मैन हूएवर कैन मेक हिम टू टेक ऑफ हिज कोट शैल वी कंसीडरेट द विनर। वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। कौन विनर हो जाएगा, उस आदमी को जो रोड में आदमी जा रहा था, जो भी उस आदमी ने कोट पहना हुआ था, जो भी उस आदमी के कोट को क्या कर देगा, उतरवा देगा, वो क्या कहलाएगा, विनर कहलाएगा। ऐसा किसके बीच में समझौता होता है, विंड के बीच में और सन के बीच में। यहाँ तक भी स्टोरी माइंड में सेट एवरीवन, मेरे साथ रीड करना है आप सभी को, है ना। लाइव क्लास नहीं हो पाई तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे साथ रीड नहीं करो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे कॉमेंट तो देख नहीं रही हूँ, है ना, तो कोई चलाकी नहीं चलने वाली। चलो आगे आते हैं, हम आगे स्टोरी को रीड करते हैं। द विंड इमीडिएटली अग्रीड एंड द आ एंड
asked the sun to hide itself behind the clouds. विंड क्या होती है? इमीडिएटली तुरंत क्या हो जाती है? उसकी बात से सहमत हो जाती है और क्या बोलती है? आस्क्ड, क्या बोलती है सन से? कि तुम ना बादलों के पीछे छुप जाओ। आगे देखते हैं हम। द विंड देन स्टार्टेड ब्लोइंग, द विंड देन स्टार्टेड ब्लोइंग विथ फुल फोर्स, बट द हार्डर द विंड ब्लू द टाइटर द मैन हील्ड हिज कोट अगेंस्ट हिम। भाई स्टोरी में क्या कहा कि विंड ना बहुत तेजी से चलती है, फिर भी उसके लिए हार्डर होता है, बहुत मुश्किल होता है उस मैन के कोट को उतरवाना। और जो मैन होता है ना, वो क्या करता है, बहुत टाइटर, बहुत तेज तरीके से अपने कोट को अपने ऊपर और ज्यादा तरीके तेज तरीके से पकड़ लेता है। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है हमारी स्टोरी में, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। तो द विंड, सॉरी जी, द विंड कैप्ड ऑन ब्लोइंग अंटिल इट वॉज एग्जॉस्टेड बट इट कुड नॉट रिमूव द कोट फ्रॉम द मैन्स बैक। विंड क्या करती है, बहुत तेजी से चलती है और चलते चलते वो एग्जॉस्टेड हो जाती है। एग्जॉस्टेड होने के बाद भी उस मैन के कोट को नहीं उतरवा पाती है, है ना। आगे देखते हैं। इट वॉज नाउ द सन्स टर्न, अब किसकी बारी आती है, सन की बारी आती है। इट जेंटल सोन्स इट बीम्स अपॉन द ट्रेवलर, द मैन फेल्ट सो वार्म दैट ही टेक ऑफ हिज कोट। द सन विन द कॉम्पिटिशन, क्या करता है, सन की अपनी जो किरणें होती है ना, अपनी जो बीम्स होती हैं, उनको और तेज कर देता है। तेज करता है तो जो आदमी रहता है उसे गर्मी लगने लगती है, गर्म गर्म फील होने लगता है, वार्म फील होने लगता है। तो वो क्या करता है, तुरंत टेक ऑफ कर देता है अपने कोट को। और कौन जीत जाता है इसके कॉम्पिटिशन, कौन जीतता है, सन जीत जाता है। राइट एवरीवन। सो आप सभी को इस टेलीग्राम चैनल से क्या लेना है, पीडीएफ लेना है। ये देखें, ये रहा टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप लोग को पीडीएफ लेना है और दोबारा से स्टोरी को रीड जरूर करना है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट के साइड, जिसमें हम कुछ वोकैबुलरी और कुछ सेंटेंसेस को मेक करना सीखेंगे। आप सभी को मेरे साथ सात सेंटेंसेस मेक करना है और कमेंट करके सभी लोग मुझे जरूर बताएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। हाँ जी, अगर आप में से कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो कंप्लीट ग्रामर के बैच भी एंड आज से ही कंप्लीट स्पोकन का बैच, दोनों बैचेस स्टार्ट हुए हैं। आप बैच को अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर, ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बैच रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारे सेंटेंसेस मेकिंग के पार्ट में और वोकैबुलरी के पार्ट में, कि कैसे हम सेंटेंस मेक करते हैं, कैसे सेंटेंस के अंदर वोकैब का यूज करते हैं। ओके जी, चलो हमारे पास दो सेंटेंस दिए हुए हैं, मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है। आप लोग ऐसा सेंटेंस बोलते हो या नहीं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, राइट। ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं कि मेरा ना कुछ काम करने का मन कर रहा है, मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, मेरा बोलने का मन कर रहा है, मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस हम बार 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 यूज करते हैं अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में, राइट एवरीवन। तो इन सेंटेंसेस को कैसे यूज किया जाता है, जब भी हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि मेरा कुछ करने का मन कर रहा है, सो उसके लिए एक प्यारा सा बढ़िया सा वर्ड यूज करते हैं, विलिंग टू। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, विलिंग टू, कि मेरा किसी भी काम को करने का मन कर रहा है। मैंने कहा मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, सो मैं किसका यूज करूंगी, विलिंग टू। मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, आई विलिंग टू गो देयर, राइट। मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, तो हम क्या सेंटेंसेस मेक करेंगे, इन्हीं सारे सेंटेंसेस को हम किसके साथ मेक करेंगे, विलिंग टू के साथ। मैंने कहा मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, आई एम विलिंग टू स्टडी। मेरा क्या करने का मन कर रहा है, पढ़ाई करने का मन कर रहा है। तो सिंपली हम इस सेंटेंस को कैसे मेक कर देंगे, आई एम, ये बनाना तो आता है भाई कि हम है की बात कर रहे हैं, सो हमने क्या बोल दिया, मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है। अगर इसी की जगह था होता, पास्ट की अगर हम बात कर रहे होते, तो हम क्या बोलते, आई वॉज, राइट एवरीवन, यस और नो। अगर हम इसी जगह पास्ट टाइम की बात कर रहे होते तो आई वॉज बोलते, और इसी जगह अगर हम फ्यूचर टाइम की बात कर रहे होते तो हम आई विल भी बोल देते, राइट एवरीवन।
हमने क्या बोला, आई एम विलिंग टू स्टडी, मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, मतलब कि आपका सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हो जाएगी, आपकी वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो आपने इज एम आर लगाया है, पास्ट टेंस होगा तो आप वॉज वर्ब लगाएंगे, फ्यूचर टेंस होगा तो आप विल बी लगाएंगे, राइट एवरीवन। उसके बाद आपका विलिंग टू, उसके बाद क्या यूज करेंगे आप, विलिंग टू, उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा सिंपली। तो जब भी अब आप इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे कि मेरा किसी काम को करने का मन कर रहा है, मेरा पढ़ाई करने को मन कर रहा है, मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस था कि मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, तो हम क्या सेंटेंस मेक करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, आई एम विलिंग टू गो देयर, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, आई एम विलिंग टू गो देयर, गॉट इट एवरीवन। अब आज के बाद जब भी आप ऐसा बोलना चाहें कि मेरा ना कुछ करने का मन कर रहा है, तो सिंपल आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अगर आप प्रेजेंट टाइम पे बोलना चाहते हैं तो इज आई एम के साथ यूज करेंगे, पास्ट टाइम में बोलना चाहते हैं तो आई वॉज के साथ यूज करेंगे, गॉट इट, विलिंग टू, ओके क्या वर्ड होगा, मन कर रहा है मतलब विलिंग टू, ओके। चलो आगे आते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मेरा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है, अब आप सभी को इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, है ना, तो अच्छा लगता है, तो क्या बोलते हो, मुझे बहुत मजा आता है इंग्लिश सीखने में, मेरा इंग्लिश सीखने का मन कर रहा है, सो हम फिर से किसके साथ सेंटेंस में करेंगे, विलिंग टू, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, मेरा इंग्लिश सीखने का मन कर रहा है, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, राइट एवरीवन। उसके बाद अगर आप बोलना चाहते हो मेरा आपकी मदद करने का मन कर रहा है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, या मेरा आपकी मदद करने का मन कर रहा है, आई एम विलिंग टू हेल्प यू, आई एम विलिंग टू हेल्प यू, गॉट इट एवरीवन। अब जब भी अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलना चाहें कि मेरा ना ये करने का मन कर रहा है, या मैं ऐसा करने का मन कर रहा है, मेरा इंग्लिश सीखने का मन कर रहा है, मेरा ये खाने का मन कर रहा है, मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, तो देखो आज मैंने कितना बढ़िया वर्ड आपको दिया है, कौन सा वर्ड आपको दिया है, विलिंग टू। इस विलिंग टू के साथ जब भी अब आप ऐसा बोलना चाहो कि मेरा इंग्लिश सीखने का मन कर रहा था, तो मैं इसकी जगह क्या बोल दूंगी, आई वॉज विलिंग टू, राइट एवरीवन, गॉट इट, अंडरस्टैंड कि हम इसको तीनों टाइम में यूज कर सकते हैं, सबसे पहली बात प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, हमारे पास तीनों टाइम की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जानते हैं आप, और एक प्यारा सा वर्ड आपका विलिंग टू, जो क्या बताता है, आपकी इच्छा बताता है कि मेरा किसी भी काम को करने का मन कर रहा है। यहाँ तक की बात अगर माइंड में सेट है आप सभी के, तो जल्दी से बटन लाइक के बटन को सभी लोग प्रेस करके बताएंगे, क्योंकि अभी तो कॉमेंट में तुम मुझे देख नहीं रहे हो, बट लाइक करके तो मुझे बता सकते हो ना। चलो आगे आते हैं, क्लास के बाद के सभी के कमेंट मुझे बताएंगे कि आप में से सभी लोग क्लास में थे, है ना जी। अब देखो आप लोग ऐसे भी सेंटेंस यूज करते हो कि हम लोग खेलने वाले हैं, अब आपका दोस्त आया पूछ रहा क्या कर रहे हो, है ना, दोस्त आया उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो बताते हो अब हम लोग खेलने वाले हैं, अब मैं पढ़ने वाला हूँ। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करते हैं कि हम लोग खेलने वाले हैं, हम मैं पढ़ने वाला हूँ, तो उसके लिए भी हम बहुत अच्छी तरीके से एक वर्ड का यूज करेंगे, गोइंग टू। इसका यूज कब किया जाता है इसको समझते हैं, इस गोइंग टू का यूज हम तब करते हैं जब हम ना अपने आप को ऐसा बोलना चाहते हैं कि मैं ये चीज करने वाला हूँ। कब यूज किया जाता है, जब हम कैसे बोलते हैं कि मैं ये चीज करने वाला हूँ, हम लोग खेलने वाले हैं, राइट, हम मैं पढ़ने वाला हूँ, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, अब तुम पढ़ने वाले हो, मैं सीखने वाला हूँ, मैं वहां जाने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, राइट एवरीवन। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, सो आप किस वर्ड का यूज करेंगे, आप गोइंग टू। गोइंग टू का क्या मतलब होता है, जब आप इस सेंस में अपनी बात बोल रहे हैं कि मैं ये चीज करने वाला हूँ, जब आप इस सेंस में अपनी बात बोलते हैं तो हम कौन सी वाला क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, गोइंग टू का यूज करते हैं, राइट। चलो कुछ सेंटेंसेस मेक करते हैं, सेंटेंसेस साथ में बनाते हैं। मैंने कहा रवि सच बोलने वाला है, अब कोई जो है वो क्या बोलने वाला है, सच बोलने वाला है, रवि इज गोइंग टू टेल द ट्रूथ, वो सच्चाई बताने वाला है। भाई पुलिस ने खूब सारे डंडे मारे हैं तो वो क्या करेगा, सच्चाई बताएगा, तो वो सच्चाई बताने वाला है, रवि इज गोइंग टू टेल द ट्रूथ, राइट एवरीवन। उसके बाद मैंने कहा हम लोग काम करने वाले हैं,
आप सभी क्या करने वाले हो? काम करने वाले हो. सो क्या सेंटेंस मेक करोगे? वी आर गोइंग टू डू वर्क. वी आर गोइंग टू डू वर्क. अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गोइंग टू आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो गोइंग टू आपने यहाँ पर देखा, ये भी आपकी तीनों टाइम के साथ यूज होता है. आपके प्रेजेंट टाइम के साथ भी, आपके फ्यूचर टाइम के साथ भी, आपके पास टाइम के साथ भी. अभी हमने क्या बात करी? रवि सच बोलने वाला है. यहाँ पर बोलने की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है भाई, ठीक कर लेंगे हम इसे, है ना. तो हम क्या बोलेंगे? अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज लगा दिया, है ना जी. पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर लगा देंगे. फ्यूचर की बात करेंगे हम तो विल भी लगा देंगे. राइट एवरीवन, अंडरस्टैंड कि हम इसका यूज भी हमारे तीनों टाइम पे कर सकते हैं. प्रेजेंट में इज एम आर है, पास्ट में आपका वॉज वर है, फ्यूचर में आपका विल भी है. गॉट इट एवरीवन? हम लोग काम करने वाले हैं. वी ऑल आर, सॉरी, We are going to do work. We are going to do work. Do करने वाले हैं. Right everyone? Understand कि going to का use हम कब करते हैं? Going to का use हम करते हैं जब हम ऐसे इस sense में अपनी बात बोल रहे हैं कि मैं इस काम को करने वाला हूँ. Got it? चलो आगे आते हैं. इसका use भी आप अपने तीनों time में करते हैं. जैसे कि वह खाना पकाने वाली है ना, पकाने वाली है, तो हम क्या सेंटेंस यूज करेंगे? सी इज गोइंग टू कुक फूड. सी इज गोइंग टू कुक फूड. इसी जगह अगर मैं ऐसा बोल देती वह खाना पकाने वाली थी तो मैं क्या बोलती? सी वॉज गोइंग टू कुक फूड. राइट. फिर मैंने कहा वह अंग्रेजी सीखने वाला है. ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश. वह इंग्लिश सीखने वाला है तो क्या बोलूंगी मैं? ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश. आई थिंक आप सभी के माइंड में ये वर्ड क्लियर हो गया, और क्लियर हुआ है तो कमेंट में सभी लोग इसका एक एक सेंटेंस मेक करके मुझे जरूर बताएंगे, है ना. चलो आगे आते हैं, अगली बात समझते हैं. अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात जो आपको मोस्ट ऑफ दी कंफ्यूज करती है कि विल, मस्ट और मे और माइट का यूज कब किया जाता है, कब कब हम यूज करते हैं. विल का कब हम यूज करते हैं, मस्ट का, और कब हम यूज करते हैं मे या माइट का. राइट. इसको हम एन एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास एक एग्जाम्पल है. देखो ये सब किसको बता रहे हैं? कि रवि जाएगा. फ्यूचर की बात की जा रही है कि रवि ना जाएगा, कहीं जाने वाला है, दिल्ली जाने वाला है, मुंबई जाने वाला है, कहीं और वो जाने वाला है. तो हमने क्या बोला? रवि जाएगा. उसी जगह दूसरे वाले सेंटेंस को अगर आप मेरे साथ पढ़ें तो हमने क्या बोला? रवि पक्का जाएगा. रवि क्या करेगा? पक्का वहां जाने वाला है रवि. तो मैंने क्या बोला? रवि पक्का जाएगा, मतलब कि श्योर एक्शन एक्टिविटी है, कि कन्फर्म है वो जाएगा ही जाएगा. गॉट इट एवरीवन? एक मिनट भाई, कैसा एक्शन एक्टिविटी है? एकदम श्योर एक्शन है, एकदम कंफर्म एक्शन है कि वो वहां जाएगा ही जाएगा, एकदम कंफर्म है. यहाँ पर क्या मैंने बोला? रवि जाएगा, मतलब फ्यूचर टाइम की बात हो रही थी कि वो जाएगा. गॉट इट. उसके बाद मैंने कहा शायद रवि जाएगा, मतलब ये भी कैसी एक्शन एक्टिविटी है? नॉट श्योर कि वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है. जब कोई भी एक्शन एक्टिविटी आपके लिए एकदम श्योर होती है, मतलब कि जैसे कि ये एक्शन एक्टिविटी कैसी है आप सभी के लिए? एकदम कंफर्म एक्शन एक्टिविटी है. तो हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज किया जाता है. यहाँ पर किसका यूज किया जाता है? मस्ट का यूज किया जाता है. और जब हम सिंपली बोल रहे हैं कि वो जाएगा, हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं यहाँ पर. और जब बच्चे हम ऐसा एक्शन बता रहे हैं कि कंफर्म नहीं है, नॉट श्योर एक्शन एक्टिविटी है, तो हम किसका यूज करते हैं? मे का या माइट का यूज किया जाता है. जब वो एक्शन एक्टिविटी कैसा है आपका? नॉट श्योर एक्शन एक्टिविटी है, तो मे या माइट का यूज किया जाता है. अगेन रिपीट करती हूँ सेंटेंस में, तीनों सेंटेंस बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड आप करने का ट्राई करें. रवि जाएगा, रवि पक्का जाएगा, शायद रवि जाएगा. जब मैं इस सेंस में अपनी बात को बोल रही हूँ कि रवि जाएगा, तो मैं किसका यूज करूंगी? विल का यूज करूंगी. जब वो एक्शन एक्टिविटी कैसा है? कंफर्म है, एकदम 100% है भाई, पक्का है कि वो जाएगा ही जाएगा, तो किसका यूज करूंगी? मस्ट का यूज करूंगी. और जब मैं ऐसा बता रही हूँ, मेरी एक्शन एक्टिविटी को नॉट श्योर बता रही हूँ कि वो जा भी सकता है, वो नहीं भी जा सकता है, तो मैं किस क्या बोलती हूँ? शायद रवि जाएगा, शायद वो पार्टी में जाएगा, शायद वो नहीं जाएगा. गॉट इट? तो मैं किसका यूज करूंगी? मे का या माइट का यूज करूंगी. अंडरस्टैंड एवरीवन कि कब कब हम इन सारे सेंटेंसेस में यूज करते हैं मे का और माइट का, कैसे यूज किया जाता है. चलो मैंने कहा रवि जाएगा,
मैंने कहा रवि जाएगा, रवि विल गो, राइट एवरीवन। सो मैं क्या सेंटेंस मेक करूंगी, रवि विल गो, गॉट इट। उसके बाद जब मैं कह रही हूँ कि रवि 100% है कि भाई वो जाएगा ही जाएगा, तो मैंने किसका यूज किया, मस्ट का यूज किया, रवि मस्ट गो, कि वो जाएगा ही जाएगा, कंफर्म एक्शन एक्टिविटी है। आप बोलते हो ना कि मैं पक्का जाऊंगा, ऐसा बोलते ना, मैं पक्का आऊंगा, मैं पक्का ऐसा कर दूंगा, मैं पक्का स्कूल जाऊंगा, सो किसका यूज करेंगे हम, मस्ट का यूज करेंगे, गॉट इट एवरीवन। उसके बाद जब मैंने कहा कि शायद रवि जाएगा, मतलब कि वो जा भी सकता है, वो नहीं भी जा सकता है, हाँ ना, कंफर्म एक्शन एक्टिविटी नहीं है, तो हम मे का यूज करेंगे या माइट का यूज करेंगे, जब हमारा एक्शन नॉट श्योर एक्शन होता है कि वैसा हो भी सकता है और वैसा नहीं भी हो सकता है। एक्शन एक्टिविटी कैसा है, नॉट श्योर एक्शन एक्टिविटी है, तो रवि मे या माइट गो, शायद रवि जाएगा, रवि मे या माइट गो, गॉट इट एवरीवन। कि हम इन तीनों को कब यूज करेंगे, जब हम फ्यूचर टाइम की बात करते हैं कि वो जाएगा, सिंपली हम विल का ही यूज करते हैं, जानते हैं आप ये बात, जब पर हमारा एक्शन एक्टिविटी कैसा हो जाता है, श्योर हो जाता है, पक्का कि मैं जरूर से जरूर जाऊंगा, है ना, सो मैं किसका यूज करूंगी, मस्ट का यूज करूंगी। उसके बाद जब मेरा एक्शन एक्टिविटी कैसा है, नॉट श्योर है, शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं किसका यूज करूंगी, मे या माइट का यूज करूंगी, कन्फर्म। यहाँ तक की बात, कौन कौन से वर्ड सीख लिए हमने, गोइंग टू सीखा हमने, विलिंग टू सीखा हमने, उसके बाद हमने डिफरेंस सीखा कि मस्ट का यूज कब किया जाता है, माइट का यूज कब किया जाता है, विल का यूज कब किया जाता है, गॉट इट। चलो आगे आ जाएं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात को समझते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, मैं सुबह जल्दी उठता था, राइट, मैंने कहा मैं सुबह जल्दी उठता था, तुम मुझे उठाते थे, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग बोलते हैं या नहीं, एक बार सेंटेंसेस को रीड करें और मुझे बताने का ट्राई करें कि इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग यूज करते हैं या नहीं, कभी बोलते हुए सुना होगा या कभी खुद यूज करते हैं आप लोग, कि मैं सुबह जल्दी उठता था, मतलब आप पास्ट टाइम की किसी एक्शन एक्टिविटी को बता रहे हो कि मैं ना सुबह जल्दी उठता था, तुम मुझे उठाते थे, तुम्हें याद है मेरे पापा मुझे उठाते थे, राइट एवरीवन। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस यूज भी करते हैं, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिल गया तो क्या बोलते हो, तुम्हें पता अपन दोनों बचपन में साथ साथ खेलते थे, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम किस यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, किया करता था या किया करता था या किया करती थी, तो हम किस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं बच्चे, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यूज्ड टू, कौन सा सेंटेंस यूज किया, सॉरी, कौन सा वर्ड यूज किया जाता है सेंटेंस मेक करने के लिए, यूज्ड टू। इसका मतलब ही क्या होता है कि जब हम ऐसा किया करते थे, जब हम खेला करते थे, जब हम उठा करते थे, जब हम जाया करते थे, राइट एवरीवन, जब मैं हम पढ़ा करते थे, सो हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं। इसका यूज ही कब किया जाता है, जब हम किस कैसे एक्शन की बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज को हम किया करते थे, मैं सुबह जल्दी उठता था, तो मैं क्या बोलूंगी, आई यूज्ड टू, किसका यूज करूंगी, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करती थी, राइट, तुम मुझे उठाते थे। अब आप किसी को बोल रहे हो कि तुम ना सुबह सुबह मुझे उठाते थे, तो मैं किसका यूज करूंगी जब मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि तुम सुबह सुबह मुझे उठाते थे, मतलब तुम ऐसा काम करते थे, तो यू यूज टू वैक मी अप, यू यूज टू वैक मी अप, राइट एवरीवन। एक और क्या सेंटेंस बोल सकते हैं हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, जब हम छोटे थे ना तो हम साथ साथ खेलते थे, तो कौन सा वाला सेंटेंस यूज करेंगे हम, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, गॉट इट एवरीवन। किस किस का यूज किया हमने, यूज्ड टू, कब यूज किया जाता है इसका, जब मैं ऐसा करता था या जब मैं ऐसा करती थी, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। हाँ जी, सो हमने आज कौन कौन से सेंटेंसेस देखे, कौन कौन से वर्ड्स देखे, सबसे पहले तो हमने हमारा स्टोरी रीडिंग का पार्ट देखा, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं उनको हमारे सेंटेंस में कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो आप सभी को टेलीग्राम से क्या करना है, देखो मैं बता देती हूँ, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको यहाँ से PDF लेना है, PDF लेने के बाद क्या काम करना है, क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्लास देखोगे फिर उसे रिवाइज करोगे, माइंड में फिक्स हो जाएगा,
फिर हम साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो सभी को देखकर कमेंट करके मुझे सभी लोग बताएंगे कि किस किसने क्लास देखी और आपको क्लास कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी बच्चे तो आज से ही हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम इसी तरह बेसिक से बिल्कुल आराम से आपकी इंग्लिश को लिखना पढ़ना बोलना ऐसे ही बेसिक से सीखते हैं। तो आप सभी अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहें तो हमारा ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर बैच रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आप करना चाहें, कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहें, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी? सो चलें हम मिलते हैं, हमारी क्लास होगी ट्यूसडे को, सो ट्यूसडे को मिलते हैं। कंप्लीट ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलो जी, बाय बाय एवरीवन, सी यू सून। क्लास सभी को देखनी है, ये नहीं कि रिकॉर्डेड है, लाइव आज नहीं हुई, तो आप जानते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हुई, तो सभी सेशन को पूरा देखकर आएंगे। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।